लोग बचा पाती है, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर जो कि क्या है, फ्लाइंग के ऊपर है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइंग, वो करने वाले हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर रहेगा। और चैप्टर करवाने के टाइम पर एक चीज मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि इनके जो ऑथर्स होते हैं ना, वो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि किस स्टोरी को किस ऑथर ने लिखा है। ओके, सबसे मेन चीज है क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। सबसे पहली चीज की स्टोरी के अंदर है क्या, वो चीजें आपको समझनी है ताकि आपके पास जब क्वेश्चन आंसर्स आए तो आप आराम से उसको अपनी भाषा में लिख सकें। तो अगर स्टोरी की मैं बात करूं, स्टोरी एक सीगल के ऊपर है, आप एक इसको बर्ड समझ सकते हैं, बर्ड ही है, बर्ड के ऊपर ये स्टोरी है। और इसके अंदर मेन चीज क्या है कि जब हम कोई चीज पहली बार करते हैं तो हमें बहुत डर लगता है ना, तो वही चीज है, उसका डर दूर होने के ऊपर ही स्टोरी का बेस है, कंक्लूजन है। और मेन जो इसका मोटिव है वो ये है कि डर के आगे जीत होती है। देखा है ना आप लोगों ने, टीवी में ऐड आती है, ऋतिक रोशन बाइक चलाता है बहुत तेज से और पहाड़ों पर और पता नहीं कहाँ कहाँ वो बाइक को लेकर जा रहा होता है, जहाँ की पॉसिबल नहीं होता ले जाना, लेकिन फिर भी वहाँ लेके चला जाता है। तो माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, सुनी होगी आप लोगों ने ऐड, तो उसी के ऊपर ही है बेस जो स्टोरी है वही है। क्या होता है इसके अंदर, सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो आप लोगों को सुननी चाहिए। सबसे पहले एक सीगल होता है, ठीक है, और वो जो है अपनी फैमिली के साथ रहता है, ही लिव टुगेदर विद हिज फैमिली। अब वहाँ पर जो है सब लोग जो हैं उसके साथ के जो होते हैं, उसके ब्रदर, उसके सिस्टर, उसके मम्मा, उसके पापा, वो सब लोग जो है वो फ्लाई करते हैं, वो उड़ना जानते हैं, दे न्यू हाउ टू फ्लाई। बट सीगल जो होता है वो बहुत अफ्रेड करता है, ही अफ्रेड टू ड्राई फ्लाई। तो उसके अंदर जो है वो डरता इतना ज़्यादा है कि मुझे जो है मैं कभी भी उड़ नहीं पाऊंगा, मुझे जो है उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं गिर जाऊंगा। मतलब कि जब हम कोई चीज़ नई नई स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें आती है ना कि मैं गिर ना जाऊं, या फिर मुझे चोट ना लग जाए, या पहली बार ये चीज़ हो रही है, नहीं हम नहीं ट्राई करेंगे, हमें चोट लग सकती है, हम गिर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा आती थी। अब इसका एग्जाम्पल एक अगर मैं सीधा सीधा रहूँ तो आप सब लोग जब छोटे थे तो आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा, है ना। तो साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो हम सोचते हैं ना, वी वॉन्ट दैट कि हमारे सिबलिंग्स जो हैं या फिर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ रहें एंड दे हेल्प अस। तो उसके अंदर जो है वो यही चीज़ें रहती थी कि मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ रहें और वो मेरी हेल्प करें, और इस वजह से जो है वो चीज़ें सीखता नहीं था। तो एक बार क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि इसको जो है इस डर से निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे पेरेंट्स भी करते हैं जब हम कोई चीज़ में डर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर वो लोग, उसकी फैमिली डिसाइड करती है, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम जो है वो एक जिसको बोलते हैं कि एक चोटी होती है पहाड़ की, उसके ऊपर रहते हैं, वहाँ से जो है वो दूसरी चोटी पर चले जाते हैं सामने, और वो अकेला वहीं रह जाता है। वो बोलते हैं कि अब हम लोग तो वहाँ जा रहे हैं और तुम लोगों को जो तुमको जो है वो यहाँ पर रहना है, तो तुम उड़ के वहाँ पर आ जाना अगर तुम्हारी मर्जी हो, वरना तुम यहीं रह लेना। मतलब उसको सबक सिखाने के लिए वो करते हैं। तो वो सोचता है, कहता है, मैं कैसे उड़ूँ, अब इतनी दूर तक मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊँ। मतलब पहले तो वो डर रहा होता है, डरता रहता है, फिर डरते डरते उसको बहुत टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो वो सोचता है कि मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, मेरी कोई फिक्र नहीं कर रहा है, सामने उसकी फैमिली होती है, उसको देख रहे होते हैं, उसके पेरेंट्स जो उनके सिबलिंग्स होते हैं उनको सिखा रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं, एंड जो सीगल होता है ही ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर बट ही कांट गो। क्यों? क्योंकि वो उड़ नहीं पाता है, ही डोंट नो हाउ टू फ्लाई। तो वहाँ पर वो चीज़ जो है उसको थोड़ी सी वो होती है कि यार मैं जो हूँ मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, और ये लोग जो हैं इतना वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सोचते वो सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ना सोने की एक्टिंग कर लेता हूँ, मैं सोऊंगा, क्या पता मेरी मम्मी या पापा जो है वो देखें कि हाँ इसको कुछ होते नहीं, कर डर के मारे फिर वो देखने के लिए आ जाएंगे मुझे। तो ऐसे ही करके वो जब धीरे धीरे वहाँ पर लेट जाता है तो देखता है कि उसको तब भी कोई नोटिस नहीं करता, सब अपने में लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे उसकी जो मदर होती हैं वो उसको नोटिस करती हैं, वो देखता है कि हाँ भाई मेरी जो मदर है वो मुझे नोटिस कर रही हैं। तो इस वो धीरे धीरे वो क्या करती हैं कि वहाँ पर अपने वहाँ पर होती हैं, और इनके में क्या रहता है ना कि इनकी चोंच होती है उसको ये नुकीला बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, यूजली दे यूजली ट्राई टू कैच फिशेस, है ना, जो पानी में जो चीज़ें होती हैं उनको उठाते हैं, तो उसके लिए इनकी फिश जो है वो एकदम नुकीली और एकदम धारदार होनी चाहिए ताकि ईजिली उसको खा पाएँ। जैसे हम चाकू जो है, अगर किचन में चाकू होता है उसको तेज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पत्थर पर रब करते हैं, तो वही चीज़ है। तो वो कर रही होती हैं, फिर थोड़े टाइम में वो क्या देखता है कि वो एक फिश जो है वो उसको चोंच में उठाकर उसकी तरफ लेकर आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ही वॉज हैप्पी सो मच। वो देखता है कि भाई हाँ ये अब मेरी मम्मी जो है वो तो फिश लेकर आ रही हैं और मुझे खाने के लिए मिलेगा। और फिर वो जो है वो सीगल की तरफ आ रही होती है धीरे धीरे। तो थोड़ी देर में वो देखता है कि उसकी मम्मा जो है वो उसके पास से कट करके किसी और साइड चली जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। ही थॉट कि मुझे खाना खाना था लेकिन मम्मी तो जो उस तरफ चली गई और मुझे खाना कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। अब
क्या होता है कि जब कोई चीज़ हमें बहुत मजबूर करती है ना, तो हम जो चीज़ नहीं कर सकते वो भी हम कर लेते हैं। अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल देखेंगे तो वो भी बहुत सारे होंगे आपकी लाइफ में। तो उसको अब मजबूर क्या कर रहा है, उसने पेरेंट्स की नहीं सुनी, अपने सिबलिंग्स की नहीं सुनी, उसने खुद की नहीं सुनी, बट उसको भूख लग रही है अब, और भूख लग रही है तो वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि अब किस तरीके से क्या होगा और किस तरीके से जो है मैं खाना खा पाऊंगा, मैं तो यहाँ भूखा मर जाऊंगा। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे पीक पर जाता है, ऊपर चोटी पर रहता है और आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ तो खाई है, पीछे की तरफ रास्ता है, आगे की तरफ चलना धीरे धीरे स्टार्ट करता है। जब आगे की तरफ धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है और जब खाई आती है तो वो नीचे जब गिरने की तरफ होता है तो हल्का सा वो अपने पंखों को उठा लेता है और उठाने के बाद में धीरे 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 वो फ्लाई करना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा वो खुश होता है, ही इज़ हैप्पी सो मच। अब वो सोच रहा है कि मतलब कि वो थोड़े से ना, जैसे हम कोई नई नई चीज़ सीखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, एक्साइटमेंट को लेकर हम उल्टी सीधी चीज़ें करने लग जाते हैं। तो वो भी कभी इधर को उठता है, कभी उधर को उठता है, कभी पंखों को टेढ़ा करता है, कभी मेढ़ा करता है, क्योंकि वो बहुत चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ सीखी है। तो मेन कंक्लूजन इज़ कि वो चीज़ जो है, जब उसके मन में ये चीज़ आती है ना कि हाँ अब तो मजबूरी में मुझे करना ही पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ जो है वो अच्छे से कर पाता है और वो फाइनली उड़ना सीख जाता है। अगर आप लोगों के लाइफ में मैं एग्जांपल्स देखूँ ना तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल एग्जाम का ले लो, पूरा साल नहीं पढ़ते हैं बट अगर पता है कल एग्जाम है तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का दिमाग ना बहुत ज़्यादा आइंस्टाइन वाला चलने लग जाता है कि यार पढ़ना पड़ेगा अब तो, कल पेपर है। वहाँ पर आपको कोई बोलेगा नहीं कि पढ़ लो, वहाँ पर आपका खुद का दिमाग होगा। हाँ कुछ महान बच्चे होते हैं जो पेपर के एक दिन पहले भी नहीं पढ़ेंगे, उनको पेरेंट्स को बोलना पड़ता है, बट मैक्सिमम जो है वो पढ़ने बैठ जाते हैं बिकॉज दे नो टुमारो इज़ माई एग्जाम, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। और ऐसे एक साइकिल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, जब हम छोटे होते हैं साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम लोगों को डर होता है कि हम गिर ना जाएं, हमें चोट ना लग जाए, और पहले होता है ना छोटे में जो है दोनों साइड टायर्स लगे होते हैं और हम वो भी साइकिल चलाना सीखते हैं, बट कुछ टाइम बाद जब टायर्स निकल जाते हैं या फिर हम एक्टिवा चलाना सीख रहे हैं, कुछ भी चलाना सीखते हैं, तो हमारे बड़े भाई बहन पापा कोई जो है वो पीछे बैठते हैं और वो पकड़ते हैं हमें। तो जब वो उतर के बोलते हैं कि अब खुद चलाओ तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, और ऐसा होता भी है कि बहुत बार गिरते पड़ते भी है, मैं खुद भी बहुत बार गिरी हूँ। तो वो चीज़ जो है हमारे अंदर डर होता है, बट जब हम एक बार चलाना सीख लेते हैं, जब हम एक बार बिना हेल्प के सीख लेते हैं ना, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग इतनी चीज़ें उल्टी सीधी करते हैं, धूप है, बारिश है, छाँव है, साइकिल चला रहे हैं तो चला रहे हैं, कोई होश नहीं है कि हमें कोई देख रहा है, हम थक रहे हैं, हमें कोई पागल भी बोल सकता है, कोई हमारे ऊपर हंस सकता है, कोई मैटर नहीं करता। अगर हम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम सीखे हैं तो हम उसको तब तक करेंगे जब तक हमारा पेट नहीं भरता। यूजुअली ये आदतें जो हैं वो सबके अंदर होती हैं, और वही चीज़ जो सीगल में भी थी। तो फाइनली वो जो है ही लर्न्स हाउ टू फ्लाई, और उसके बाद में वो अपनी फैमिली के साथ जो है, क्योंकि उनको क्या होता है कि यूजुअली जो बर्ड्स होते हैं दे कैन नॉट लीव टुगेदर, ठीक है, वो एक साथ नहीं रह सकते, वो लोग जो है अलोन रहते हैं। अलोन का मतलब ये होता है कि वो अपना खाना जो है वो खुद इकट्ठा करते हैं, खुद खाते हैं, और ही ऑलवेज कैच स्प्रे विद themselves, तो खुद अपने आप ही जो है वो लोग जो है वो सारा अपना अपना खाना देखते हैं। मतलब ये होता है कि हमारी तरह नहीं है कि एक बंदा खा रहा है और सब बना रहे हैं, मतलब सब बना रहे और खा रहे हैं साथ में मिलके, ऐसा नहीं होता। वो अपना अपना खाना खुद देखते हैं, खुद अपना शिकार लेते हैं और अकेले अकेले आराम से मस्त रहते हैं। तो वही चीज़ उसको सीगल को भी उसकी मदर सिखाना चाहती थी, तो वो फाइनली सीख जाता है और वो फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरीके से स्टोरी थी, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे, जब आपको स्कूल में करवाई जाएगी तो मेनली यही करवाया जाएगा, सीगल जो बहुत डरता था, क्वेश्चन आंसर में आ सकता है कि वो डरता था, क्या रीजन था, वो उड़ना क्यों नहीं चाहता था, या फिर वो उड़ता है तो उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं, उसके पेरेंट्स जो है वो क्या ट्राई करते हैं उसको उड़ाने के लिए। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो अब आपको आसानी होगी, आराम से आप क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो दे पाएंगे। ओके बच्चा, आई होप स्टोरी पसंद आई होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, वो भी मैं जल्द लेकर आऊँगी, और स्टोरी को अच्छे से समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट स्टोरी आए तो आप लोगों को अपडेट मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।